हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑफशोर क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लास्ट वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको कहा था कि ये लास्ट 50 डेज के लिए आपकी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए। तो उस स्ट्रेटजी में हमने डिस्कस किया था कि आपने डेली इन 50 डेज में क्या करना है। उन 50 डेज में आता था कि आपने रिविजन करना था डेली, और साथ ही साथ मैंने कहा था कि आपने मॉक टेस्ट भी देने हैं। ठीक है, उसमें सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट भी थे और फुल लेंथ टेस्ट भी थे। ठीक है, तो चलिए आज उसी वीडियो पे बात करते हैं, उसी पार्ट पे बात करते हैं कि आपने कौन सी ऑब्जेक्टिव बुक फॉलो करनी है और कौन सी मॉक टेस्ट सीरीज देनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ऑब्जेक्टिव बुक्स की बात करें तो सबसे पहले जो ऑप्शन है, बड़ा फेमस ऑप्शन है इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स में, वो होता है यूथ पब्लिकेशंस। ठीक है, यूथ पब्लिकेशंस में आपने क्या करना है, यूथ जैसे आप परचेज करेंगे, अगर आपके पास है तो आप देखेंगे इसमें बहुत सारे एरर है, क्वेश्चंस में एरर है, आंसर्स में एरर है, उसमें कोई शक है नहीं। ठीक है, लेकिन उससे क्या है कि वो आपने इग्नोर करना है वो एरर। अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग है तो आपको उन एरर से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो नंबर वन यहाँ पर यूथ पब्लिकेशन है, मैं इसको रिकमेंड करूँगा। अगर आप उन सिली मिस्टेक्स को इग्नोर करेंगे जो टाइपिंग एरर होते हैं, या किसी कोई कोई आंसर गलत होता है या कोई क्वेश्चन गलत होता है, उनको आप इग्नोर करके चलेंगे तो ओवरऑल ये बुक बहुत अच्छी है। ठीक है, आपने ये सॉल्व करनी। नेक्स्ट इज गुप्ता एंड गुप्ता। गुप्ता एंड गुप्ता भी अच्छी क्वालिटी की बुक है, इसमें जेई लेवल मटेरियल बहुत भरा हुआ है और आपके कॉन्सेप्ट्स को ये खोल देता है। ठीक है, लेकिन आपने एक याद रखना है मेरी बात कि एक कॉन्सेप्ट जो होता है ना, वन कॉन्सेप्ट दैट इज इक्वल टू 100 क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपके पास एक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो 100 क्वेश्चंस के बराबर है। ठीक है, चाहे आप 100 क्वेश्चन लगा लें लेकिन आपके उस कंसेप्ट नहीं है कि वो कैसे किया हमने, ठीक है, तो बिल्कुल बेकार है। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं उसका। ठीक है, अब यहाँ पर बुक्स में आपने क्या करना है, मैंने कहा था आपको कि आपने डेली जो है 2 आवर्स रखने हैं रिवीजन के लिए। ठीक है, अब रिवीजन में आपने क्या करना है, यहाँ पर देखिए, पहले तो आपने करना है कि आपने मान ले 1.5 आवर जो आपका होगा उसमें आप अपने सब्जेक्ट को रिवाइज कीजिए आराम से, और उसके बाद जो आधा घंटा बचा आपके पास इन 2 आवर्स में से, उसमें आप क्या करेंगे कि उसमें आप क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ठीक है, इसी सब्जेक्ट के जो आपने यहाँ पर रिवाइज किया इसी के क्वेश्चंस आप इस आधे घंटे में करेंगे। ठीक है, इससे देखिएगा आपका सब्जेक्ट पे जो है होल्ड बहुत अच्छा आ जाएगा। ठीक है, तो बुक्स की बात हम कर रहे थे, नंबर वन वाज यूथ पब्लिकेशन, इसमें एरर्स हैं लेकिन उनको इग्नोर कीजिएगा, आपका आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट इज गुप्ता एंड गुप्ता, ये भी मैं रिकमेंड करता हूँ, और थर्ड वन इज लक्ष्मी पब्लिकेशंस की, जो कि डॉक्टर जे रामा रेड्डी ने लिखी है। ठीक है, तो ये भी अच्छी क्वालिटी की बुक है, आप इसको भी परचेज कर सकते हैं। इसका कॉस्ट थोड़ा बहुत ज़्यादा है, इसका 750 में कॉस्ट आता है, तो ये 3 बुक्स मैं रिकमेंड करूँगा। अगर आपके पास इसके बगैर और सारी बुक्स हैं, आर एस खुरमी हो गई, ठीक है, या आर एगर हो गया, जो मर्जी है, ठीक है, उनसे कीजिए। मैंने उनका कंटेंट चेक नहीं किया इसलिए मैं उनका नहीं बता सकता हूँ, इनका मैंने चेक किया हुआ है तो इनका इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर आपके पास इनके एक्सक्लूडिंग इनके बगैर भी है कोई ये, चाहे खुरमी हो, एगर हो, या कोई और हो, तो आप वो भी वहाँ से भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट में आपने क्या करना है, मॉक टेस्ट मैंने कहा था कि आपने जो सब्जेक्ट आप रिवाइज कर रहे हैं, 1 या 2 दिन या 3 दिन, चलो मान के चलते हैं कि आपको उसके रिवीजन में लग रहा है, क्योंकि आप अभी आपके सब्जेक्ट पेंडिंग है, ठीक है, इनकम्प्लीट सिलेबस है आपका, तो इसलिए आपको 2-3 दिन लग रहे हैं रिवीजन में। तो जैसे ही वो इनकम्प्लीट सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद आपका रिवीजन का जो पेस होगा वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है, आपने सबसे पहले मॉक टेस्ट की बात करें तो इंजीनियर्स एकेडमी, ये बिल्कुल एक क्वालिटी मॉक देते हैं आपको, क्वालिटी क्वेश्चन देते हैं आपको। इसमें आपने परचेज करना है ऑलमोस्ट ये 1000 रुपीज़ की आती है ये सीरीज। ठीक है, 1000 रुपीज़ की आपको ये सीरीज मिल जाएगी, इसमें आपको सारे स्टेट के JEE मॉक मिल जाएंगे। ठीक है, ये डिज़ाइन करते हैं सारे स्टेट्स के लिए करते हैं। ठीक है, इसमें स्पेशल आपको JKSSB के लिए मटेरियल नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज ओल्यू बोर्ड। ओल्यू बोर्ड का भी कंटेंट अच्छा रहता है, थोड़ा बहुत मैं कहूँगा कि नॉर्मल से ऊपर ही रहता है इनको कंटेंट। तो ये आपको, अगर आप ये परचेज करना चाहते हैं तो डिस्काउंट कूपन लगा के आप 320 तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, और 320 में आपको मिल जाते हैं 5 फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, ये आप परचेज कर सकते हैं, इनका भी कंटेंट अच्छा है, तो यहाँ से भी आप फुल लेंथ टेस्ट ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्टिव टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जो है वो आपको
मिलेंगे नहीं, ठीक है। थर्ड वन इज द एईसी प्लस, ठीक है। इनका मैं कह सकता हूँ, देखिए इनका जेके एसएसबी के लिए तो ये बनाते हैं नहीं, ठीक है, इनने तो शायद कभी नाम भी ना सुना हो जेके एसएसबी का। लेकिन ये क्या कर रहे हैं, आजकल जो ट्रेंडिंग एग्जाम है प्रेजेंट, जिसकी वैकेंसी निकली है वो है DFCCIL, ठीक है। ये क्या है, ये इंडियन रेलवेज के अंडर आता है और इसमें प्रेजेंटली वैकेंसी निकली है, तो इनने इसके लिए जो है टेस्ट सीरीज बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इनका ये टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं, DFCCIL वाला, ठीक है। तो इसका कॉस्ट अगर मैं दे बता दूँ आपको तो 200 रुपीज कॉस्ट पड़ता है इसका, और इसमें आपको मिलते हैं ऑलमोस्ट 2 to 3 टेस्ट पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट टू टेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, 2 to 3 आपको पर सब्जेक्ट के बेस से मिल रहे हैं, और साथ ही साथ आपको 3 जो है फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये आप परचेज कीजिए, मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप सबसे पहले ये परचेज कीजिए, क्योंकि कॉस्ट भी इसका लो है और कंटेंट भी जो है वो बहुत बढ़िया है इसका, ठीक है। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट टेस्ट भी मिल रहे हैं और फुल लेंथ टेस्ट भी मिल रहे हैं। अगर आप ये परचेज करने के बाद इसको कंप्लीट कर रहे हैं अपने टाइम में, उसके बाद भी आपके पास टाइम है, तो आप इन दोनों में से जो है कोई भी परचेज कीजिएगा, ठीक है। उसके बगैर आपका जो बड़ा फेमस रहता है वो है ग्रेड अप, ठीक है, ग्रेड अप की मॉक टेस्ट सीरीज चलती है, और दूसरा जो है वो है टेस्ट बुक, ठीक है। इनका जो क्वेश्चंस का क्वालिटी होती है वो थोड़ी बहुत लो होती है, ठीक है, उसके हिसाब से मैं इनको रिकमेंड नहीं करता हूँ। लेकिन फ्री टेस्ट इन पे भी है, ग्रेड अप पे भी है, टेस्ट बुक पे भी है, वो आप फ्री टेस्ट आप देके खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आप परचेज करना चाहिए आपको या नहीं। लेकिन हाईली जो रिकमेंड मैं करूँगा वो मैं यही करूँगा कि AEC प्लस आप यहाँ से आप मौक दीजिए, ठीक है। देखिए मेरी इनसे कोई बात नहीं हुई है कि ये मुझे पैसे दे रहे हैं इसलिए मैं रिव्यू ले रहा हूँ, नहीं, मुझे इनका कॉन्टेंट अच्छा लगा इसलिए मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप कोई वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।